तो 6 महीने बाद सोशल मीडिया पर पहली बार दिखी हैं नुपुर शर्मा। जी हाँ, वही नुपुर शर्मा भाजपा के पूर्व नेता जिनके एक बयान के बाद हजारों धमकियां मिलने लगी, कई हादसे हुए, उन्हें भाजपा ने पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया, जिसके लिए कोई भी लिबरल खड़ा नहीं हुआ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ये कहता है कि देश में बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन वो आजादी सिर्फ हिंदुओं पर बोलने की, सेना का अपमान करने की और पीएम को गाली देने की होनी चाहिए। इसीलिए किसी ने भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जुबैर जैसे नफरती लोगों ने उनके बयान को ट्रांसलेट कर तमाम इस्लामिक देशों को सुनाया, जिसके बाद 57 देशों ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि एक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए गुमनाम होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक विवादित बयान दिया था। वहीं दूसरी तरफ कॉमेडी के नाम पर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने वाला मुनव्वर फारूकी टीवी शो में काम करता रहा, विनर बनता रहा, म्यूजिक वीडियो बनाता रहा, वो भी बिना किसी डर के। साथ ही उसे सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ये नुपुर शर्मा के लिए नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने नए साल से नई शुरुआत कर ली है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा की पहली तस्वीर सामने आई है, साथ में उनका बयान भी। दरअसल भाजपा और नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया देखने वाले विकास पांडे ने नुपुर शर्मा से नए साल पर मुलाकात की है। विकास पांडे ने मुलाकात की फोटो ट्विटर पर साझा की है और लिखा है कि गेस करिए किससे मैं मिला, जय श्री राम। जिसके बाद पिक्चर पर कमेंट की बौछार होने लगी। लोग पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा कैसी हैं। लोगों को फिक्र इसलिए भी हो रही है क्योंकि सरतन से जुदा गैंग ने कमलेश तिवारी के साथ क्या किया उसे कोई भूला नहीं है। लोग विकास को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि उन्होंने नुपुर शर्मा से मुलाकात कर लोगों को इसकी जानकारी भी दी है। वहीं विकास ने नुपुर का बयान भी साझा किया है। विकास ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे अपनी साहसी दोस्त और बहन पर बहुत गर्व है। नुपुर शर्मा वो अपने सभी हिंदू भाइयों और बहनों पर खुश और बेहद गर्वित हैं। उसने मुझसे ये कहा है कि किसी से नहीं डरती क्योंकि सब कुछ महादेव के हाथ में है। तो देखा आपने, नुपुर शर्मा ने ये बताया कि वो किसी से डर नहीं रही हैं, बल्कि सब कुछ उन्होंने महादेव के हाथ में छोड़ दिया है। जिसका अपमान टीवी पर हो रहा था, जिस पर उन्होंने पलटवार किया था, जिसके बाद कई हंगामा मचा था, 57 देशों ने आंखें तरेर ली थी। अब आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। जी हाँ, 1.6 मिलियन लोगों तक ये पहुंच चुकी है पोस्ट। वहीं कई लोग कई तरह के सवाल नुपुर शर्मा से कर रहे हैं, जिसका जवाब विकास खुद दे रहे हैं। जैसे कि कमाल प्रेमी ने लिखा है कि कैसी है नुपुर शर्मा, जिस पर विकास ने जवाब दिया है शी इज डूइंग फाइन। हार्दिक ने पूछा कि नुपुर दीदी कैसी हैं, विकास भाई जी जय श्री राम, जिस पर विकास ने जवाब देते हुए लिखा कि अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। अभय प्रताप लिखते हैं कि 2023 की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली तस्वीर। वहीं इस तस्वीर पर राजकुमार ये लिखते हैं कि बड़ी शर्म फील होती है जब ऐसी बहादुर लड़की को अपने देश में सत्य कहने पर अनसेफ रहना पड़ता हो आतंकी धर्म से, महादेव उन्हें शक्ति दे, जय श्री राम। ऐसे हजारों सवाल विकास से पूछे जा रहे हैं और विकास 6 महीने बाद नुपुर शर्मा का हाल जनता को बता रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।